हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपको ऐसे प्लांट से मिलाने वाले हैं जो प्लांट्स ज़्यादा सनलाइट ना मिलने के बाद भी बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। ये जो है आपके प्लांट जो होते हैं ट्रू इंडोर प्लांट होते हैं। तो ऐसे कौन से प्लांट होते हैं जिनको हम जो है सेमी शेड वाली जगह में या बिना धूप के जो है ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि कई लोगों के पास ऐसी समस्याएं होती हैं जिनके पास खुली जगह नहीं होती है और वहाँ पे धूप नहीं आती। तो ऐसे कौन से प्लांट हैं जिनको बिना धूप के भी हम ग्रो कर सकते हैं और ये बिना धूप के अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। फ्रेंड, जितने भी प्लांट ऐसे होते हैं उनकी एक विशेषता ये होती है कि इनमें लगभग 90% प्लांट जो होते हैं एयर प्योरीफायर प्लांट होते हैं, जिनमें से बहुत ही ज़्यादा अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन जो है निकलती है। तो ऐसे ही प्लांट हैं, इन प्लांट्स के बारे में हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले जो आपको प्लांट दिख रहा है, ये जो आपको देख रहे हैं ये मदर टंग का प्लांट है, इसको मदर टंग भी बोलते हैं। ये बहुत ही अच्छा प्लांट होता है, आप इसको जो है इंडोर कंडीशन बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। आप अपने रूम वगैरह में इसको रख सकते हैं, इसमें से ये बहुत ही अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन निकालता है और घर में जो दूषित हवा होती है उसको जो है ये ऑब्जर्व करता है, उसको सोखता है और उससे उसको ऑक्सीजन में कन्वर्ट करके देता है। इसी तरह ये दूसरा प्लांट जो है अरेलिया प्लांट है, ये भी इसमें भी वही खूबी होती है। इस प्लांट को आप रूम में रख सकते हैं, सेमी शेड वाली जगह पर रख सकते हैं, खिड़की पर रख सकते हैं, जहाँ पर धूप का कोई ज़्यादा इसको ज़रूरत नहीं पड़ती और बहुत अच्छे से ग्रो होता है। इसी तरह आपका जो है एक प्लांट और होता है, ये आपका स्पाइडर प्लांट है। ये प्लांट भी आप जो है बिना धूप के कंडीशन में बहुत अच्छे से ग्रो होता है और ये एयर प्योरीफायर प्लांट होता है। इसी तरह आपका ये भी है, ये अरेलिया की दूसरी वैरायटी का प्लांट है, ये भी बहुत अच्छे से ग्रो होता है बिना धूप वाली जगह पर, बहुत अच्छे से ग्रो होता है। इसी तरह हमारे आपको जानते होंगे ये आप मनी प्लांट का पेड़ है, ये भी बहुत अच्छे से ग्रो होता है बिना धूप वाली जगह में, बहुत अच्छे से ग्रो होता है और ये भी जो है एयर प्योरीफायर प्लांट होता है। इसको भी आप जो है आप सेमी शेड वाली जगह पे अच्छे तरीके से ग्रो कर सकते हैं। ऐसे ही एरिका पाम का प्लांट होता है जो सेमी शेड वाली जगह पर बहुत अच्छे से ग्रो होता है। इसी तरह हमारे पास एक दूसरा प्लांट है, ये सैम्पेन पाम है, इसको बॉटल पाम भी बोलते हैं, ये भी इंडोर कंडीशन में बहुत अच्छे से ग्रो होता है। इसी तरह से कुछ प्लांट होते हैं जो कम धूप वाली जगह पे भी अच्छे तरीके से ग्रो होते हैं, उसी में आपका ये सामने देख रहे हैं फाइकस का प्लांट होता है, फीकस का होता है, ये भी बहुत अच्छे से तरीके से ग्रो होता है। इसी तरह आपका जो है करोटन का प्लांट भी होता है, ये आप देख रहे हैं, ये भी अच्छी तरीके से ग्रो करता है अगर आपके पास धूप वाली जगह नहीं है। इसी कड़ी में हमारा एक दूसरा प्लांट आता है, सिंगोनियम का प्लांट आता है, इसकी कई सारी वैरायटी होती है, ग्रीन सिंगोनियम है। इसमें भी जो है अच्छी मात्रा में एयर प्योरीफायर के गुण पाए जाते हैं, ये भी एक इंडोर प्लांट होता है। इसको भी आप इंडोर कंडीशन में अच्छे से ग्रो कर सकते हैं, रूम वाली जगह पर, बंद जगह पर आप इसको बहुत अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। इसी कड़ी में हमारे पास एक बहुत ही सुंदर प्लांट है, इसको जो है पीस लिली बोलते हैं, इसमें बहुत अच्छी फ्लावरिंग होती है वाइट कलर की, ये जो है प्योर इंडोर प्लांट होता है। आप इसको वाशरूम वगैरह में भी जगह पे रख सकते हैं और वहाँ पे भी ये कम लाइट वाली कंडीशन में अच्छे तरीके से ग्रो हो जाता है। तो फ्रेंड्स, जो इतने प्लांट के बारे में बताया, इसमें अधिकतर 90% से प्लांट जो होते हैं एयर प्योरीफायर प्लांट होते हैं और जिनके पास खुली जगह नहीं है या धूप नहीं है या छत नहीं है, तो वो लोग अगर प्लांट लगाना चाहते हैं तो ये प्लांट लगा सकते हैं। इसमें आप मनी प्लांट लगा सकते हैं, एरिका पाम वगैरह पाम लगा सकते हैं, अरेलिया लगा सकते हैं। हमने जितने भी प्लांट बताए हैं, अगर आप इनको लगाएंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो होंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी और अगर आज दिन संडे है और अगर आप प्लांट खरीदना चाहते हैं, ये प्लांट ज़रूर ले कर आएँ। अगर आपके पास खुली जगह नहीं है और इनको लगाएं तो बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो होगा। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स किसी नए वीडियो के साथ, नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।